महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद अब उद्धव कैम के बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़े हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत। बीते दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लंबे पूछताछ के बाद राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। राउत की गिरफ्तारी के बाद अब एनसीपी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को जांच एजेंसियों की कार्रवाई से डर लगने लगा है। विपक्षी नेताओं को डर सताने लगा है कि आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आ सकता है। कांग्रेस पहले ही ईडी की कार्रवाई का सामना कर रही है, इसीलिए सियासी रोटी सबसे पहले कांग्रेस ने ही सेकने शुरू की है। कांग्रेस शिवसेना सांसद संजय राउत के समर्थन में खुलकर आ गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि वो शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ है। चौधरी ने कहा कि राउत ने एक ही अपराध किया है कि वो बीजेपी की डराने और धमकाने की राजनीति के आगे नहीं झुके हैं, जबकि राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को ये सरकार दबाना चाहती है। खड़गे का कहना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो उसके लिए कानून है और उसके तहत एक्शन लीजिए, ना कि उसके घर जाकर 6 घंटे पूछताछ करना। ये सब उत्पीड़न है और विपक्ष को खत्म करने की बातें चल रही हैं। बता दें कि इसके अलावा भी कई दलों ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है, लेकिन जांच एजेंसियों ने जिस तरह से विपक्ष का काला चिट्ठा खोलना शुरू किया है उससे विपक्षी नेताओं में दहशत है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक ईडी की कार्रवाई से विपक्ष में खौफ है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ईडी के रडार पर है। वहीं हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी ईडी ने टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है, जबकि महाराष्ट्र में राउत की गिरफ्तारी पात्रा चौल घोटाले में हुई है। ऐसे में अगला नंबर किस पार्टी के किस नेता का आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।